बिजनेस कोच या मोटिवेशनल स्पीकर एक बार फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने। उस सीरीज में जिसका नाम है असंभव कुछ भी नहीं, तो चलिए देखते हैं कि आज किस बारे में वीडियो होने वाला है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही जबरदस्त, दमदार, पावरफुल होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, इतिहास उठाकर देखिए, जितनी आदमी इतिहास कर सकते, आम आदमी इतिहास नहीं रचा है, जितनी आदमी इतिहास। कर्नल सैंडर्स का नाम आप सुने हो, कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में फ्राइड चिकन बना के उसका रेसिपी लेकर लोगों के पास घुमा, वन बाय वन लोगों के घरों में गए, लेकिन 1009 बार उनकी रेसिपी को फेल कर दिया गया। शुरुआती 1009 बार उनकी रेसिपी को फेल कर दिया, लेकिन वो हार नहीं माने। और आज वो कर्नल सैंडर्स ने जो फ्राइड चिकन लेकर आए, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा हो गया। तो जितनी आदमी इतिहास रचता है, आप जिस फील्ड में है, जिद कर डालिए, इतिहास रचाएगा ही रचाएगा। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, अमेरिका के लगातार 3 बार राष्ट्रपति, विकलांग थे, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, जिद कर लिए राष्ट्रपति बने और सफल राष्ट्रपति बने, 3 बार। सोचिए मिल्खा सिंह का आप नाम सुने होंगे, मिल्खा सिंह, आग मिल्खा तू, आग मिल्खा तू, आग मिल्खा, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। 80 में से 77 रेस जीत चुके मिल्खा सिंह, पहली बार दूध के लिए जीत दौड़े थे, इंडियन टी शर्ट के लिए दौड़े थे, 45.9 उनका कोच ने दे दिया कि 45.9 सेकंड में जीतना है, वो दे दिए। और एक बार बताया जाता है कि प्रैक्टिस करते करते मुंह से खून आ गया, उसके बाद मिल्खा सिंह के नहीं, और इसलिए 80 में से 77 जीत जीते मिल्खा सिंह। जिद्दी आदमी इतिहास रचता है मेरे भाई, तो आप जिस क्षेत्र में है जिद का डालिए, इतिहास रच डालिए। आज का जो वीडियो है हंगेरियन आर्मी मैन केरली के बारे में है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो केरली था उसका बहुत बड़ा ड्रीम था कि दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनना है उसको, और उसके अंदर वो काबिलियत थी। 1938 से जाते जाते जितने भी नेशनल चैंपियन थे सबको जीत लिया, लेकिन एक बार 1938 में आर्मी के कैंप में प्रैक्टिस करते समय उसके हाथ में ही ग्रेनेड फट गया और उसका जो दाहिना हाथ था उड़ गया। एक महीना तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उसका जब हाथ ठीक हुआ, तो जो दाहिना हाथ तो उड़ चुका था जिससे वो पिस्टल चला था, अब उससे तो कम्पीट नहीं कर पाते। उसने हिम्मत नहीं हारा और उसने अंदर ही अंदर बिना किसी को बताए बाएं हाथ से अपना शूटिंग शुरू कर दिया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना लगातार 1 साल प्रैक्टिस करता है और 1939 के जो आपका नेशनल चैंपियन होता है वहां पर पहुंचता है, प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। लेकिन जो उसके कंपटीटर्स थे वो कहते हैं ये होता है जज्बात, देखो हाथ उड़ने के बाद भी ये हम लोगों का हौसला बढ़ाने चलाया। केरली कहता है मैं तुम लोगों का हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, कंपीट करने आया हूं, चलो मैं अपने बाएं हाथ से कंपीट करूंगा। वो 1939 के नेशनल चैंपियन विजेता बनता है केरली, लेकिन उसका ड्रीम था विश्व का बेस्ट पिस्टल शूटर। 1940 में ओलंपिक हो रहा था और उसका टारगेट था कि 1940 में ओलंपिक को बीट करके मैं दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनूंगा, लेकिन 1940 का जो ओलंपिक था विश्व युद्ध के कारण कैंसिल कर दिया गया। बहुत परेशान हुआ, अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर लगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल प्रैक्टिस किया, पुनः 1944 का ओलंपिक होना था, 1944 का ओलंपिक आया, लेकिन 1944 का भी ओलंपिक जो है विश्व युद्ध के कारण निरस्त कर दिया गया। बहुत रोया, सोचिए 38 से सीधे अब 48 में मौका मिलता, अगला ओलंपिक जो होता था 1948 में होना, सोचिए 1938 में उसकी उम्र 28 साल थी और 1948 में उसकी उम्र हो जाती 38 साल, यानी कि 38 साल का ये खिलाड़ी, उसका जो कंपटीटर उसके जो होते 1948 में वो एंग होते 18 साल 20 साल 22 साल के होते, और 18 साल 20 साल 22 साल के खिलाड़ियों से जिसकी जोश और जुनून ऊर्जा सब कुछ नया होता है उससे कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन केरली हिम्मत नहीं हारा और 1948 का जब ओलंपिक आया इसने अपने पूरे जोश और जुनून के साथ हिस्सा लिया ओलंपिक 1948 में, और जो अपना पिस्टल अपने बाएं हाथ से कंप्लीट किया और पिस्टल शूटर में गोल्ड मेडल जीत के इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। ये क्या है, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, जिसने जिद किया वो इतिहास। लेकिन 1948 तक ही नहीं रुका, उसने फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल प्रयास किया और 1952 के ओलंपिक में भी हिस्सा लिया, और 1952 के ओलंपिक में भी इसने गोल्ड मेडल जीत के पिस्टल शूटिंग में लगातार 2 ओलंपिक में
गोल्ड मेडल जीत के इतिहास के पन्नों में ये पहला विजेता बना कि जो लगातार दो ओलंपिक में पदक जीता हो, गोल्ड मेडल जीता हो, तो वो है खेल। सोचिए जरा, एक आम आदमी आज छोटी छोटी समस्याओं में भटक जा रहा है, लेकिन एक केरली जो था दाहिने हाथ से अपने आप को पिस्टल शूटर, विश्व का पिस्टल शूटर बनाया, दाहिने हाथ से कम्पीट कर रहा था, दाहिना हाथ टूटने के बाद हिम्मत नहीं आ रहा और जिद किया कि नहीं मैं दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनूंगा, और इसने अपने को हार नहीं मारा और बाएं हाथ से प्रैक्टिस कर करके और अपने बाएं हाथ को मास्टर बन गया, बाएं हाथ से ही पिस्टल शूटिंग करने लगा और 1948 को ओलंपिक में गोल्ड जीत के इतिहास के पन्नों में। जरा सोचिए, जिद आदमी कर ले तो क्या नहीं कर सकता है मेरे भाई। आप जिस फील्ड में है, चाहे आप नेटवर्किंग में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, अगर जो आपको सफल होना है तो जिद करना पड़ेगा, और जिद कर लीजिए, ठान लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। और एमएलएम में अगर जो आप हैं तो एमएलएम में तो हर चीज है, समय, धन, सुरक्षा, देशाटन, सब कुछ है। यह वह बिजनेस है जहां पर हर चीज आपको मिलता है, बस आप जिद कर लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं का जो सीरीज है, जो केरली पे है, वो आपको बहुत पसंद आएगा, और पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने टीम में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।